बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हसीना। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने यहाँ पर खट्टी दाल की बहुत ही टेस्टी लाजवाब रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। खट्टी दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी तुअर दाल लिया है और आधा कटोरी मसूर दाल। आप दोनों में से कोई एक दाल भी ले सकते हैं या दोनों आधा आधा करके भी ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से धो लेंगे। दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है 3 से 4 पानी से। अब हम इसमें एक चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे, 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे, 1 तेज़पत्ता डालेंगे। कुकर का ढक्कन लगाकर हम 4 से 5 सीटी आने तक अच्छे से गला लेंगे। दाल हमसे गल चुकी है, आप देख सकते हैं। तो देखिए दाल को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम आगे के प्रोसेस पर हम लेंगे 1 मुट्ठी लहसुन, 1 मुट्ठी अदरक और 8 से 10 हरी मिर्ची। इसका हम दरदरा सा पेस्ट बना रेडी है। दूध ही लेंगे, आधा किलो है, इस तरह से कट करके लेना है। और थोड़ा सा सेंगपल्ली लिया है मैंने, एक प्याज लेना है जिसको मैंने स्लाइस करके लिया, एक टमाटर, थोड़े से पुदीने और हरा धनिया, इमली लेना है, या आप अपने जरूरत के हिसाब से जितना आप खट्टा खाना पसंद करते हैं वो हिसाब से हम इमली लेंगे। इसको पानी में अच्छे से धोकर मैंने इसको भिगा कर लिया है। इसको हम अभी अच्छे से मैश करके इसका पानी, इस कढ़ाई या फिर पतीली, इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी ऑयल। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके लेंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे। अब गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें पुदीना डालेंगे, कटे हुए टमाटर डालेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें पेस्ट डालेंगे जो हमने रेडी करके रखा। पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसमें इस तरह से पानी भी ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 से 3 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, हमने हरी मिर्ची भी लिया हुआ है तो उस हिसाब से हम पेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और हम धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे तो अच्छे से सौते करेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें लौकी ऐड करेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेम को इस वक्त हम मीडियम करेंगे। अब हम इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा जलना नहीं। फ्लेम को हम एकदम लो रखेंगे और लौकी गलने तक हम इसे पका के लेंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम देखेंगे। 2 मिनट बाद हम देखेंगे। तो देखिए जो लौकी थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है और जो अदरक लहसुन का कच्चापन है उसकी भी स्मेल चली गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे सिंपली। तो ये मैंने दो स्टिक लिया है सिंगफली। डालने के 1 मिनट के बाद हम इसमें उबली हुई दाल ऐड करेंगे। तो जरूरत के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर आप गाढ़ी रखना चाहते हैं तो हिसाब से हमें पानी ऐड करना है। 2 गिलास पानी ऐड किया। तेज पत्तों को हम दाल से अलग कर देंगे। इस वक्त हम नमक टेस्ट करेंगे और वो हिसाब से फिर इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक डालने के बाद अच्छे से मिलाएंगे, ढककर पका लेंगे जब तक ये सिंगफली गल नहीं जाता। और ये देखिए जो लौकी है जो ऑलमोस्ट गल चुकी है। सिंगफली को मैंने एंड में इसलिए डाला है क्योंकि साथ पहले डालते तो वो ये गल कर टूट सकती थी। तो अब हम इसे गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तो देखिए हमारी जो सिंगफली है वो गल चुकी है। अब हम फ्लेम को मीडियम करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे इमली का पानी। तो ये मैंने छान कर रखा हुआ है। इमली का पानी डालने के बाद हम इसे 5 मिनट तक पका के लेंगे अच्छे से। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको गैस पे से नीचे रख देती हूँ। अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी। बगाड़ने के लिए हम कोई भी इस तरह का चम्मच यूज करेंगे या फिर कोई भी पतीली छोटी सी। तो इसमें मैं 2 चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, राई ऐड करेंगे, लाल मिर्ची लेना है, इस तरह से मैंने तोड़ लिया है, 2 से 3 है।
हरी धनिया से गार्निश कर लेंगे। तो ये जो मैंने लास्ट में जो तड़का दिया है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, उसके बगैर भी ये दाल बहुत ही टेस्टी लगती है। तो कैसी लगी आपको खट्टे दाल की रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही दिलचस्प रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में जरूर रखिए।